हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। तो बेसिकली प्रोजेक्ट को हमें मैनेज करना है, यानी कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ी थी, अल्टरनेट मेथडोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ी थी, यानी कि सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करेंगे इसकी मेथडोलॉजी हमने पढ़ ली है। अब हमें ये पढ़ना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक्स, यानी कि कोई प्रोजेक्ट मिला, यानी सपोज इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिला है और एक यूज़र मैनेजमेंट ने दिया है, एक यूज़र कंपनी ने दिया है, एक पर्टिकुलर कंपनी ने दिया है जो उसे यूज़ करेगी, उसने दिया है उस सॉफ्टवेयर को और डेवलप करने के लिए दिया है इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनी में। तो इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक्स हैं उसमें आप प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट में क्या मैनेज करोगे? टाइम ओवररन ना हो, कॉस्ट ओवररन ना हो, यानी दो ही चीज़। ये चैप्टर अगर देखा जाए, वैसे क्वालिटी भी एक चीज़ है कि किस ऑब्जेक्टिव्स या क्वालिटी मीट आउट करता है कि नहीं करता है, लेकिन वो सब्जेक्टिव हो जाती है। ऑब्जेक्टिव चीज़ें जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, टाइम ओवररन और कॉस्ट ओवररन होगी। यानी कि ये जो चैप्टर है, वैसे ये चैप्टर थोड़ा सा मैथमेटिकल भी है, तो हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शंस को ही कवर करेंगे, लेकिन बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक्स दो ही चीज़ और दो ही चीज़ के चारों तरफ घूमेंगे, टाइम ओवररन और कॉस्ट ओवररन। इसके लिए केस टूल्स का यूज़ किया जाएगा, कोड जनरेटर्स का यूज़ किया जा सकता है, क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज़ किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों का प्रोग्राम पर्ट का यूज़ किया जा सकता है, प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स का किया जा सकता है। तो बेसिक एम क्या है कि बजट्स और शेड्यूल को मीट आउट करना। बजट्स को मीट आउट करने का मतलब यह है कॉस्ट ओवररन ना हो, जो बजट है उसी में काम हो जाए। शेड्यूल का मतलब है टाइम ओवररन ना हो, यानी जिस टाइम में काम का होना था उस टाइम में काम पूरा हो जाए। और यही प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर ये देखता है कि कॉस्ट ओवररन और टाइम ओवररन ना हो, ये बजट्स और शेड्यूल्स मीट आउट हो जाए। तो बेसिकली अगर हम उसे समराइज करें तो हम ये कहें कि कुछ टूल्स होते हैं, केस टूल्स और टेक्निक्स होती हैं, जैसे कोड जनरेटर, क्रिटिकल पाथ मेथड और कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके टूल्स, इसका यूज़ किया जाएगा। और दूसरा हम पर्ट का यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्राम इवेल्यूशन और रिव्यू टेक्निक। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एक टूल होता है जिसे हम पर्ट कहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल कंडीशंस में क्या होता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ें, ये टूल्स हमें क्लैरिटी देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये जनरली इम्प्लीमेंट बहुत रेयर केस में होते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, केस टूल्स हो जाते हैं, लेकिन जो हम क्रिटिकल पाथ मेथड पढ़ेंगे, CPM पढ़ेंगे, तो ये जनरली अगर इसका आइडिया हो तो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो सकता है। तो बेसिकली ये सबसे पहली बात यह है कि ये जो टूल्स होंगे, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक्स, ये वहाँ पर काम करेंगे जहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोजेक्ट हो। अगर जितना स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट होगा, स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट होगा, वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक्स उतने ज़्यादा काम करेंगे। तो बेसिकली जो एफर्ट एस्टिमेशन प्रोसीजर है, मतलब एफर्ट्स को एस्टिमेट करने का जो प्रोसीजर है, वो कांस्टेंट, वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। आज की डेट में भी वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है और कंटिन्यूस एफर्ट है उसे रिफाइन करने के लिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक अप्रोच यूज़ करते हैं जिसे फंक्शन पॉइंट अप्रोच कहते हैं, इस एस्टिमेट तक रीच करने के लिए और पहुँचने के लिए। लेकिन ये एस्टिमेट है, मतलब जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होगा तो 100% पता नहीं होगा, एक एस्टिमेट होगा। इस एस्टिमेट को पहुंचने के लिए
मतलब एफर्ट एस्टिमेशन प्रोसीजर्स का यूज़ किया जाता है, और ये एफर्ट एस्टिमेशन प्रोसीजर्स आज की डेट में भी रिफाइन हो रहे हैं। और जनरली ऑर्गेनाइजेशन एक एस्टिमेशन प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं जैसे फंक्शन पॉइंट अप्रोच कहते हैं। फंक्शन पॉइंट अप्रोच में एक फंक्शन पॉइंट होता है। फंक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है? फंक्शन पॉइंट का मतलब ये होता है, फंक्शन पॉइंट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो ये देखेगा कि एप्लीकेशन की साइज़ क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। और साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमें देखने पड़ेंगे नंबर ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स, फाइल्स, क्वेरीज, इंटरफेस, कितने इंटरफेस एप्लीकेशन में होंगे, क्या क्वेरीज आएंगी, फाइल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, आउटपुट इनपुट कितने आउटपुट होगा, कितना इनपुट होगा, अगर बैंकिंग सिस्टम है या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है तो कितने इनपुट होंगे, अगर नॉर्मल है तो कितना इनपुट होगा, आउटपुट क्या होगा, फाइल्स क्या होंगी, क्वेरीज कितनी आया करेंगी, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है तो कांस्टेंट वेटिंग लिस्ट वाले कितने होंगे और कितने देख रहे होंगे कि उनको कन्फर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इंटरफेसेस कितने होंगे। तो बेसिकली फंक्शन पॉइंट, ये सारी चीज़ें फंक्शन पॉइंट पर होती हैं। फंक्शन पॉइंट अप्रोच एक चीज़ में फंक्शन पॉइंट होती है, और फंक्शन पॉइंट का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी और साइज ऑफ एप्लीकेशन वो देखती है, क्या साइज होगा एप्लीकेशन का, कितनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होगी। और ये बेसिकली एस्टिमेट्स हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये साइंस एग्जैक्ट नहीं है। और ये एस्टिमेट क्या करते हैं, पर्सन मंथ निकालते हैं, यानी कि कितना एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कितने पर्सन मंथ यूज होंगे, 10% मंथ यूज होंगे, 5% मंथ यूज होंगे, 5% मंथ होंगे तो बेसिकली मोटे तौर पर देखा जाए तो 5 आदमी को लगाओगे तो 1 मंथ में काम हो जाएगा। लेकिन कई बार बॉटलनेक्स होते हैं, एक चीज़ जब तक कंप्लीट नहीं होगी दूसरा स्टेज स्टार्ट नहीं हो सकता, दूसरा इस तरीके से बॉटलनेक्स होते हैं। तो ये स्ट्रेट हम ये नहीं कह सकते। तो बेसिकली जो मैंने ये बोला कि एफर्ट एस्टिमेशन प्रोसीजर्स होते हैं, एफर्ट एस्टिमेशन प्रोसीजर्स एस्टिमेशन प्रोसीजर है, एस्टिमेट्स निकालते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन पॉइंट अप्रोच यूज़ करते हैं इन एस्टिमेट्स को अराइव करने में, एक्चुअल्स नहीं बोल रहा हूँ, एस्टिमेट्स को अराइव करने में। और फंक्शन पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन कितनी कॉम्प्लेक्स है और क्या साइज है इस एप्लीकेशन का। और फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए, फंक्शन पॉइंट अप्रोच में फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमें ये पता करना पड़ता है कि कितनी इनपुट्स है, कितना आउटपुट होगा, क्या क्वेरीज होंगी, कितने इंटरफेसेज होंगे, और फिर वो हम एक एस्टिमेट बनाएंगे, एक्चुअल्स नहीं बनाएंगे, एस्टिमेट बनाएंगे, और फिर हम कहेंगे इतना एस्टिमेटेड पर्सन मंथ है, एक्चुअल पर्सन मंथ नहीं, एस्टिमेटेड पर्सन मंथ है, और उसी की तरह उसी के बाद एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो ये जो पर्सन मंथ निकाले, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में ग्रॉस पर्सन मंथ एफर्ट कहा जाता है, यानी इतने आदमी, क्योंकि सॉफ्टवेयर आदमी बना रहा है, इतने पर्सन मंथ लगेंगे, या मैन डेज, कई जगह पर मैन डेज बोला जाता है, आदमी कितने दिन काम करेगा। एक तो इसमें क्या होगा कि कुछ चीज़ें होंगी और उसी के बेसिस पर ग्रॉस पर्सन मंथ एफर्ट निकाला जाएगा। एक तो हमने ये बोला कि फंक्शन पॉइंट निकाला जाएगा, फंक्शन पॉइंट आउटपुट, फाइल, क्वेरीज, इंटरफेसेस देखा जाएगा, और उसके अलावा जो है कुछ और चीज़ हम देखेंगे कि कितनी एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट में, क्या क्या एक्टिविटी हैं प्रोजेक्ट में, किस सीक्वेंस में एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। मानो बड़ा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो वो 5 एक्टिविटीज़ एक साथ परफॉर्म की जा सकती है, आइडियल कंडीशन है, 5 एक्टिविटी हैं, 5 पर्सन मंथ लगेंगे, एक एक मंथ एक में लगेगा सपोज, और 5 एक साथ की जा सकती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पहली और दूसरी एक्टिविटी तो पैरेलल की जा सकती है, लेकिन तीसरी एक्टिविटी के लिए दूसरी एक्टिविटी का कंप्लीट होना जरूरी है, फिर उसके बाद ही आगे की एक्टिविटी हो जाएगी। तो दो ये, तो यहां पर बॉटल नेक आ गया। तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, फिर सीक्वेंस पता होगा तो आपको पता चल जाएगा भाई ये पर्सन मंथ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कितनी एक्टिविटी हर कौन सी एक्टिविटी कितना पर्सन मंथ लेगी और क्या स्किल की जरूरत होगी,
किस डेट में कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी और किस डेट में कौन सी एक्टिविटी खत्म होगी, एडिशनल रिसोर्सेस कितने जरूरत है एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, और एक्टिविटी कंप्लीट होगी इसका मतलब क्या है, डिफाइन की जाएगी कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है। अगर एक्टिविटी कंप्लीट हो गई तो उसका मतलब क्या है, मतलब कौन से लेवल में आकर, कौन से माइलस्टोन में आकर वो एक्टिविटी खत्म मानी जाएगी, और क्या पॉइंट्स होंगे जो मैनेजमेंट रिव्यू करेगा, मतलब कौन से माइलस्टोन होंगे जो मैनेजमेंट रिव्यू करेगा। तो इनके बेसिस पर पर्सन मंथ निकाला जाएगा, क्या क्या एक्टिविटी हैं, क्या सीक्वेंस है, हर एक्टिविटी के लिए कितना पर्सन मंथ की रिक्वायरमेंट है, कितना पर्सन मंथ एफर्ट लिया जा सकता है, कौन सी एक्टिविटी की क्या सीक्वेंस है, कब कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, कब ख़त्म होगी, एडिशनल रिसोर्सेज क्या होंगे, माइलस्टोन्स क्या होंगे, कहाँ पर माइलस्टोन्स क्या होंगे, तो ये बेसिकली क्या एफर्ट बताते हैं। उसके अलावा ऐसा है, ये तो है टाइम एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन की भी जरूरत है। तो बेसिकली आजकल ऑटोमेटेड टेक्निक्स हैं, SDLC है तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, तो हर फेज में कॉस्ट एस्टिमेशन की जा सकती है, कॉस्ट एक्चुअल्स नहीं, कॉस्ट एस्टिमेशन किया जा सकता है, मतलब ऑटोमेटेड टेक्निक्स हैं हर फेज के लिए, ऑटोमेटिक टेक्निक्स हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, उसके लिए कॉस्ट एस्टिमेशन किया जा सकता है। ऑटोमेटेड टेक्निक्स में एक्सेल शीट हो सकती है, एक नॉर्मल ऑटोमेटेड टेक्निक्स, और एक बना दिया कि इतना आदमी जाएगा फिजिबिलिटी स्टडी में, ये करेगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी तो इस प्रोजेक्ट की क्या लेंथ होगी, इतनी लेंथ होगी तो ये चाहिए होगा, ये होगा, मतलब एक एस्टिमेट है। अगर मान लिया ब्रॉड पैरामीटर्स हैं तो सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में इतना टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम इतना लगना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन ऑटोमेटिक टेक्निक्स कहा जाते हैं। तो ये इस जो आपके कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए जो कंपोनेंट्स होंगे वो बेसिकली हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, मेन स्टोरेज कंस्ट्रेंट क्या है, डेटा स्टोरेज कंस्ट्रेंट क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या है, स्टाफ का एक्सपीरियंस क्या है, कंप्यूटर एक्सेस कितनी है, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट कैसा है, सोर्स कोड की लैंग्वेज क्या है। हमने पढ़ा था पिछले उसमें, एक सोर्स कोड होती है, एक ऑब्जेक्ट कोड होती है, ऑब्जेक्ट कोड 0101 होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, लेकिन जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कहा जाएगा वो की जाएगी वो सोर्स कोड लैंग्वेज होती है। सोर्स कोड लैंग्वेज हायर लेवल लैंग्वेज होती है जो आदमी समझता है, तो सोर्स कोड लैंग्वेज देखी जाएगी कि कौन सी है, और टारगेट मशीन डेवलपमेंट के लिए कौन सी मशीन यूज की जा रही है। तो बेसिकली हम एस्टिमेशन निकाल लेंगे, कॉस्ट का एस्टिमेशन, टाइम का एस्टिमेशन। बेसिकली ये कहा जाए कि भाई सिंपल सी बात में ये कहा जाए कि हम क्या करेंगे, कॉस्ट और टाइम निकालेंगे, इनके एस्टिमेट्स निकालेंगे, एक एस्टिमेशन करने की कोशिश करेंगे। ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, एस्टिमेशन है बेसिकली। इसके बाद गैंट चार्ट्स भी होते हैं। गैंट चार्ट्स क्या है कि बेसिकली एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, तो हमने एक्टिविटी कर दी कि पहली एक्टिविटी कितने से कितने लंबे समय तक चलेगी, फिर दूसरी एक्टिविटी हम कब स्टार्ट कर सकते हैं। गैंट चार्ट में मान लिया सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लिखा हुआ है, तो जनवरी में हमने पहली एक्टिविटी स्टार्ट की, दूसरी एक्टिविटी पहले दिन से स्टार्ट हो सकती है, तो पहले दिन से हम करेंगे, और मान लिया सपोज मार्च तक ख़त्म होगी तो मार्च तक ले जाएंगे। तीसरी एक्टिविटी जो है वो पहली एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद ही हो सकती है, मतलब पहली एक्टिविटी ख़त्म होगी तभी होगी, तो पहली एक्टिविटी जनवरी में ख़त्म हो रही है सपोज, तो वो जनवरी से स्टार्ट होगी, या दूसरी एक्टिविटी के बाद ही स्टार्ट होगी तीसरी एक्टिविटी, अगर दूसरी एक्टिविटी तीसरी एक्टिविटी के बाद स्टार्ट हो रही है तो दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट होगी उसी के बाद तीसरी होगी, तो वो नेट चार्ट में
वो शुरू कर दिया जाएगा। एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ दिखा दी जाएंगी, एक सिंपल सा चार्ट बना दिया जाएगा। ये सिंपल सा चार्ट ये बताता है कि कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है। तो ये किसी भी इवन मजदूर को अगर नेट चार्ट सामने रखा है तो मजदूर को बताया कि ये एक्टिविटी इस टाइम पर स्टार्ट होगी, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसमें क्या है, एस्टिमेशन है, टाइम एस्टिमेशन है। आप क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं पहली एक्टिविटी है। अगर मान लीजिए सपोज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 8 एक्टिविटी है, तो आपने कहा A1 एक्टिविटी इस तारीख को स्टार्ट होगी और इस तारीख को ख़त्म होगी। तो वहाँ पर एस्टिमेट है और पता है कितनी तारीख को पहली एक्टिविटी ये ख़त्म होनी है और दूसरी एक्टिविटी कब स्टार्ट होनी है, किसके कौन सी चीज़ के कंप्लीशन होने के बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, ये गणित चार्ट बताता है। इसके बाद पर्ट आता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। पर्ट में क्या है कि एक्टिविटी एरो के रूप में दिखाई जाती है, एक चार्ट बनाया जाता है एरो के रूप में। पहली एक्टिविटी है तो उसके बाद एक एरो ग्रेड कर दिया दूसरी एक्टिविटी, तो वो एक बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। वो ये बता देता है कि सीक्वेंशियल होगा, पैरेलल एक्टिविटी होगी। तो ये उसमें उस चार्ट में क्या होगा कि कितने रिसोर्सेज लगेंगे और कितना टाइम लगेगा। मतलब एक कोई भी एक्टिविटी है हम उसे एक एरो से दिखाएंगे और हम उसमें बता देंगे क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या टाइम लगेगा। मतलब उसमें कई वर्ड्स हैं जैसे प्रेडिसेसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी, प्रेडिसेसर एक्टिविटी खत्म होने के बाद आएगी। इवेंट है, इवेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट होगा। इवेंट जो है फिर आप एक टाइम एस्टिमेट निकालोगे, टाइम एस्टिमेट प्रिसाइज नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट साइंस है ही नहीं। मतलब एक वेटेड एवरेज होगा कि भाई मोस्ट लाइकली टाइम क्या है और पेसिमिस्टिक टाइम क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है। मोस्ट लाइकली टाइम को आप ज़्यादा वेट दे दोगे। जो एक्सपेक्टेड टाइम का जो फॉर्मूला है वो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम करोगे, उसमें पेसिमिस्टिक टाइम ऐड करोगे और उसमें जो मोस्ट लाइकली टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 6 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 6 आइटम हुए, एक आइटम तो हुआ ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे सॉरी, और उसमें जो मोस्ट लाइकली टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे और सबको 6 से डिवाइड कर दोगे। यानी कि मोस्ट लाइकली एस्टिमेट का वेट ज्यादा है। तो पर्ट भी ये कहता है कि भाई एस्टिमेट जो हम टाइम एस्टिमेट निकालेंगे वो एक एस्टिमेट होगा और ये एस्टिमेट प्रिसाइज नहीं हो सकता, ये होगा वेटेड एवरेज, डिफरेंट एस्टिमेट्स का वेटेड एवरेज होगा और हम लाइकली एस्टिमेट निकाल लेंगे। इसके बाद आता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड में एक क्रिटिकल पाथ होता है और क्रिटिकल पाथ ये बताता है कि हाईएस्ट ड्यूरेशन का पाथ क्या है। जो हाईएस्ट ड्यूरेशन का पाथ है उतने दिन लगेंगे प्रोजेक्ट में कम से कम। तो इससे हमें ये पता चल गया कि टाइम एस्टीमेट ये है, कॉस्ट एस्टीमेट ये है। हमने गैंट चार्ट बनाया तो एक पता चल गया कौन सी एक्टिविटी कहाँ स्टार्ट होगी, कब ख़त्म होगी। प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक में हमने एक डायग्राम बना दिया कौन सी एक्टिविटी कहाँ स्टार्ट होगी, कैसे ख़त्म होगी, एक पाथ बना दिया किस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, कहाँ जाकर एक्टिविटी ख़त्म होगी। फिर क्रिटिकल पाथ में हमने ये निकाला कि हाईएस्ट ड्यूरेशन के कौन से पाथ में होगा। तो इससे हमें एक प्रोजेक्ट के बारे में एक समझ आ गई कि भाई क्या एस्टिमेशन होना चाहिए, क्या टाइम एस्टिमेशन, क्या कॉस्ट एस्टिमेशन होना चाहिए। तो अगर हमने वो गैंट चार्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड, पर्ट ये सारे डायग्राम शो कर रखें तो सारी टीम को ये पता चल जाएगा कितने टाइम पीरियड में ये प्रोजेक्ट ख़त्म होना चाहिए। बहुत सी चीज़ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है टीम को, हायर मैनेजमेंट से, टॉप लेवल मैनेजमेंट से, जो कमिटी है जो प्रोजेक्ट
को मॉनिटर कर रही है और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको सबको बताया कि भाई ये एक्सपेक्टेड टाइम है, ये क्रिटिकल पाथ है, ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटी पहले होगी, ये एक्टिविटी बाद में होगी। मतलब एक तरह से सामने साइंटिफिक होने की कोशिश की है, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स और प्रोडक्टिविटी एड्स के बारे में कहती है, और दो चीज़ों के बारे में बताती है, कोड जनरेटर और केस टूल्स के बारे में, यानी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो कोड जनरेटर क्या होते हैं? कोड को जनरेट करते हैं। कोड क्या होता है? प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को जनरेटर करते हैं। तो कोड जनरेटर बेसिकली जो होगा प्रोग्राम को जनरेट करेगा, लेकिन कहां से करेगा? वो क्या करेगा? सिस्टम एनालिस्ट पैरामीटर्स डिफाइन कर देगा या डेटा फ्लो डायग्राम होंगे, उनके हेल्प से वो कोड जनरेट करेगा। तो इससे क्या होगा? प्रोग्रामर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कई स्टेप्स ऑटोमेट हो जाएंगे। तो ऐसे टूल्स जो हैं, जो सिस्टम मतलब SDLC की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं, और केस टूल्स में वो यूज़ किए जाते हैं। केस टूल्स क्या होते हैं? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। ये ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑटोमेट नहीं हो सकती पूरी तरीके से, लेकिन पार्शली ये कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो एस्टिमेशन पार्शियल हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो केस टूल में कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, मतलब कोई केस टूल है तो उसमें क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। केस टूल्स में दो टाइप के टूल्स होते हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। केस टूल्स हैं, उनकी कुछ फंक्शनैलिटी है, वो दो काम करेंगे। प्रोजेक्ट में हमने बोला दो ही काम हो सकते हैं, या कॉस्ट कम हो सकती है या टाइम की बचत हो सकती है। और टाइम की बचत होगी तो कॉस्ट की बचत हो जाएगी, क्योंकि मैन डेज कितने लग रहे हैं सॉफ्टवेयर में? क्या आदमी काम कर रहा है, आदमी को आप पैसा दे रहे हो, जितना टाइम कम लगेगा आदमी पर उतना उसे पैसा कम देना पड़ेगा। तो चेन में हर जगह यही है, जितने आदमी होंगे चेन में, जितने आदमी हटाते जाओगे उतने चीज़ें सस्ती होती जाएंगी। इसीलिए आजकल जॉबलेस ग्रोथ का टाइम आता जा रहा है, चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं, आदमी दूसरे स्किल्स नहीं सीख पा रहा है, उतनी जल्दी वो दूसरी जगह नहीं बढ़ पा रहा है। तो ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जॉब्स उतनी जनरेट नहीं हो पा रहे, जो नीचे के जॉब्स हैं वो ऑटोमेट होते चले जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल्स दो सेट, मतलब जो जनरली केस में दो टूल्स अवेलेबल होते हैं, एक एस्टिमेशन टूल्स और एक शेड्यूलिंग टूल्स। एस्टिमेशन टूल्स क्या करता है? एफर्ट का एस्टिमेशन करता है, मतलब एस्टिमेशन टूल एस्टिमेट करता है, एक्चुअल टूल्स नहीं है। एस्टिमेशन टूल किसका एस्टिमेट करता है? कंप्यूटिंग एफर्ट का, और वो देखता है कितना ड्यूरेशन लगेगा, मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है प्रोजेक्ट का। तो ये एस्टिमेशन टूल है। एस्टिमेशन टूल्स कंप्यूटिंग एफर्ट को एस्टिमेट करेगा, एक्चुअल नहीं करेगा, एस्टिमेट करेगा, और वो देखेगा ड्यूरेशन क्या है और मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है। और दूसरा होता है शेड्यूलिंग टूल। शेड्यूलिंग टूल शेड्यूल करेगा टाइम। तो जो शेड्यूलिंग टूल है वो टास्क को डिफाइन करेगा, क्योंकि टाइम निकालना है तो टास्क क्या है। टास्क नेटवर्क क्रिएट करेगा, यानी कौन से टास्क के बाद क्या टास्क होगा। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को जनरेट करेगा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यानी काम किस भागों में, एक्टिविटीज में ब्रेकडाउन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पर्ट डायग्राम है, इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। पर्ट डायग्राम अगर आप देखोगे तो एरो बना होगा, फिर दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही, फिर तीसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, पैरेलल एक्टिविटी होगी तो वो उसमें दिखाई जाएगी। तो ये शेड्यूलिंग टूल्स होते हैं। पर्ट डायग्राम अगर पूछा जाए कि केस टूल है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो शेड्यूलिंग टूल है कि नहीं है, मतलब वो एस्टिमेशन टूल है या शेड्यूलिंग टूल है। पर्ट जो है शेड्यूलिंग टूल है,
तो यानी दो टाइप के टूल्स होते हैं, एस्टिमेशन टूल्स और शेड्यूलिंग टूल्स। एस्टिमेशन टूल्स टाइम को एस्टिमेट करते हैं, शेड्यूलिंग टूल्स शेड्यूल को यानी सॉरी एस्टिमेशन टूल एफर्ट को यानी कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, शेड्यूलिंग टूल शेड्यूल डिटरमाइन करते हैं यानी टाइम डिटरमाइन करते हैं यानी टास्क को डिवाइड करते हैं, कौन सा टास्क कब शुरू होगा, टास्क नेटवर्क क्रिएट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ टास्क क्रिएट करनी पड़ेगी, टास्क नेटवर्क क्रिएट करने से पहले टास्क की डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, टास्क की डेफिनेशन क्रिएट होगी और फिर टास्क का नेटवर्क क्रिएट होगा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। फिर रिस्क एनालिसिस टूल होते हैं, रिस्क टेबल बनती है, हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं, रिस्क क्या क्या रिस्क हैं, एक रिस्क टेबल बन जाती है। ये रिस्क टेबल भी मतलब ये स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की है, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है कि ये रिस्क टेबल है, तो सबको पता चल जाता है ये रिस्क है। रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग टूल्स होते हैं, ये रिक्वायरमेंट को ट्रेस करते हैं। अब रिक्वायरमेंट किसकी होगी, कस्टमर की होगी, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट या यूजर मैनेजमेंट की होगी, उसकी रिक्वायरमेंट को रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग टूल से निकाला जाता है। ये कहाँ से मतलब बेसिकली रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी भाई, या तो यूजर स्पेसिफिकेशन पता चलनी चाहिए या RFP जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आया होगा, जो हमारे पास आएगा प्रपोजल आया होगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आया होगा कि भाई अपना प्रपोजल भेजो, तो हमने एक प्रपोजल भेजा होगा तो उसमें रिक्वायरमेंट्स होंगी, या तो यूज़र की तरफ से आया होगा या यूज़र ने बोला होगा कि भाई ये सॉफ्टवेयर बनाना है और इसके लिए प्रपोजल भेजो हमारे पास। तो इंफोसिस जैसी विप्रो जैसी कंपनी के पास RFP आया होगा, उन्होंने जवाब दिया होगा ये प्रपोजल है, तो उस प्रपोजल में से रिक्वायरमेंट पता लग सकती है। और बेसिकली मेथड्स क्या हैं, या यूज़र से जाकर मिल लेना, या इंटरैक्टिव टैक्स इवैल्यूएशन करना यानी उन्हें टेक्स्ट देना, एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर देना और फिर उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन करना, उनके सवालों को जवाब देना, इंटरेक्शन करना, इससे हम उनकी रिक्वायरमेंट पता कर लेते हैं और इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग टूल्स होते हैं और फिर जो फाइनल रिक्वायरमेंट है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। इसके अलावा एनालिसिस और डिजाइन टूल होते हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, सिस्टम मॉडल को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। डेटा फ्लो या ER डायग्राम्स इसके आंसर है। मतलब एनालिसिस और डिजाइन टूल्स जो हैं उसके जो आंसर हैं वो मतलब जो उसके डेटा फ्लो और ER डायग्राम्स हैं, क्योंकि इस एनालिसिस और डिजाइन टूल क्या करेंगे, एनालिसिस करके आप क्या करोगे, सिस्टम मॉडल डेवलप करोगे। इसके बाद प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स होते हैं, दो डिफरेंट टूल्स हैं, एनालिसिस और डिजाइन टूल और प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स। तो जो प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स होते हैं वो बहुत से, उसमें क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे स्क्रीन प्रिंटर यूज किया जा सकता है। स्क्रीन प्रिंटर क्या होगा कि इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस के लिए वो स्क्रीन लेआउट डिटरमाइन कर लेगा, बना देगा, रैपिडली बना देगा। कुछ और सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज किए जाते हैं जो डेटा के डिजाइन या स्क्रीन और रिपोर्ट के लेआउट कैसे होंगे, और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है क्योंकि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में प्रोटोटाइपिंग फीचर होता है। तो यानी कि कई तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं। रिस्क एनालिसिस टूल्स है तो रिस्क टेबल बनाई जाएगी, उससे रिस्क को एनालाइज किया जाएगा। मतलब एक टूल है, रिस्क टेबल क्या है, रिस्क एनालिसिस टूल है। टूल मतलब टूल यूज किए जाते थे पहले, अगर मान लिया सपोज कोई घर बनाना है, कुछ बनाना है, उसके लिए टूल यूज किए जाते थे। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाना है, मतलब छेना हथौड़ी यूज की जाती थी, टूल्स यूज किए जाते थे, दरवाजे में कील टांकनी है तो कील लगाई और उसे ठोका, वो एक टूल था घर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स होंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, इंटेंजिबल है। तो रिस्क एनालिसिस टूल रिस्क को एनालाइज करेगा, एक रिस्क टेबल बनाई जाएगी और वही टूल कह दिया जाता है।
और रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग टूल जो है वो रिक्वायरमेंट को ट्रेस करेगा। तो आपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देख लिया, यूज़र की स्पेसिफिकेशन देख ली, और उसके लिए आपने उसे क्वेश्चनर दे दिया, वो क्वेश्चनर एक टूल हो गया जिससे कि हम सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करेंगे। एनालिसिस और डिज़ाइन टूल होगा, उस वो एनालिसिस और डिज़ाइन में हेल्प करेगा, तो सिस्टम मॉडल्स बनाने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए डेटा फ्लो डायग्राम और ईआर डायग्राम्स होंगे, वो टूल हो गए। इसी तरह से प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स हो गए, स्क्रीन पेंटर है या प्रोटोटाइपिंग टूल्स है या 4GL लैंग्वेज की हेल्प से, बहुत 4GL की लैंग्वेज की हेल्प से एनालिसिस या डिज़ाइन टूल्स, जो 4GL लैंग्वेज है, एनालिसिस और डिज़ाइन टूल्स के रूप में काम करती है, क्योंकि उसमें प्रोटोटाइपिंग फीचर्स होते हैं। इसके बाद वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, वेब पेज को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, टेक्स्ट हो, ग्राफिक हो, फॉर्म्स हो, स्क्रिप्ट्स हो, एप्लेट्स हो। इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस टूल होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद टेस्टिंग टूल्स हैं, टेस्टिंग टूल्स की कई कैटेगरी हैं, स्टैटिक एनालिसिस टूल है, कोड बेस्ड टेस्टिंग टूल है, स्पेशलाइज टेस्टिंग लैंग्वेजेस हैं, रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग टूल्स हैं। तो टेस्टिंग टूल में स्टैटिक एनालिसिस टूल सबसे पहला है। स्टैटिक एनालिसिस टूल बेसिकली क्या है, ग्राफ जनरेट करता है, ये कोड की कम्प्लेक्सिटी या उसका स्ट्रक्चर और उसके डिफेक्ट बता देगा आपको। तो बेसिकली ग्राफ्स ये जनरेट करेगा और इन्हीं ग्राफ्स के बेसिस पर क्वालिटी बताएगा, और ये क्या करेगा कि बेसिकली ये बताएगा कि कोड कितना कॉम्प्लेक्स है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। दूसरा, कोड बेस्ड टेस्टिंग टूल्स हैं, ये सोर्स कोड को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी सोर्स कोड होगा, और उसमें फिर क्या होगा, उसको एनालाइज करेंगे और टेस्ट केस निकालेंगे, यानी कि ये आपको, आप सॉफ्टवेयर जनरेट करोगे, आप सॉफ्टवेयर बनाओगे और उसकी टेस्टिंग करते हो, टेस्टिंग करने के लिए कोई डेटा डालते हो, तो डेटा आपको खुद बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो टेस्ट केसेस हैं या टेस्ट डेटा जो है, वो ये कोड बेस्ड टेस्टिंग टूल जनरेट करते हैं। इसके बाद स्पेशलाइज्ड टेस्ट लैंग्वेजेस होती हैं, और फिर आपके रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग टूल्स होते हैं, ये यूज़र रिक्वायरमेंट को आइसोलेट करते हैं और टेस्ट केसेस को सजेस्ट करते हैं। इसके बाद डायनेमिक एनालिसिस टूल करते हैं। तो बेसिकली स्टैटिक एनालिसिस टूल है और डायनेमिक एनालिसिस टूल है।